नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्ला चंपानी। शपथ का कार्यक्रम स्टार्ट है, शपथ का प्रक्रिया जारी है। हम अभी पहुंचे हैं ढाका प्रखंड के ढाका हाई स्कूल के प्रांगण में। हमारे साथ देखिए नौ निर्वाचित मुखिया मुन्ना शाही हैं जो दलपत विष्णुपुर पंचायत से चुनाव जीत गए हैं। हमारे साथ मौजूद है इनके सारे समर्थक भी यहाँ दिख रहे हैं, हम बात करेंगे इनसे। सबसे पहले मुखिया जी स्वागत है और जीत की बहुत बहुत बधाई। चलिए बहुत बहुत आपको भी बधाई और हमारे जो भी शुभचिंतक, हमारे सभी माननीय सदस्य और जो मेरे समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, पंचायत के सभी तमाम हमारे शुभचिंतक और ग्रामवासियों को, पंचायतवासियों को बहुत बहुत बधाई इस जीत के लिए कि आज इस शपथ ग्रहण समारोह में आने का सौभाग्य मिला। और मैं आशा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने कर्तव्यों का जो यहां शपथ लिया हूं, उस शपथ में मैं खड़ा उतरने का बखूबी पूरा का पूरा प्रयास करूँगा और बिना भय और किसी भी पक्षपात का मैं ये उसके विरोध काम करूंगा। किसी के प्रभाव में बिना आए हुए निष्पक्ष रूप से अपने काम का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। आप सभी तमाम पंचायतवासियों को इस चैनल के माध्यम से, जिन्होंने हमको इस तरह इस समय का मौका दिया, इन्होंने मुझे जो सम्मानित करने का सौभाग्य मुझे दे रहा है, मैं चैनल के माध्यम से इनको भी बधाई देता हूँ। और तमाम कार्यकर्ता, तमाम अपने वार्ड सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को, पंचायतवासियों को बहुत बहुत बधाई। और नौ वर्ष के लिए सब लोग नए ऊर्जा से हम सब लोग काम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार और प्रणाम। और मुखिया जी, मुद्दा क्या था चुनाव में आपका? मुद्दा तो विकास था। मैं पूर्व में भी मुखिया रह चुका हूँ और मेरा पूर्व का जो कार्यशैली रहा, हमने जो आंगनबाड़ी का बहाली किया, हमने जो 18 शिक्षक का बहाली किया, पूरे पारदर्शिता के तहत, किसी पक्षपात और बिना कुछ रिश्वत का जो जहाँ तहाँ चर्चा हो रहा है, ऐसे मैं भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ। हमारी सरकार का जो सोच है, सबके साथ सबका विकास और भ्रष्टाचार को मिटाना है, तो जो भी हमारे शिक्षक है, बिना किसी भी स्थिति परिस्थिति और किसी पक्षपात के बगैर, मैं बखूबी अपने अंदाज में जो सही बहाली होना चाहिए, जो निष्पक्ष होना चाहिए, जो भी प्रक्रिया था, जो भी सरकार का रोस्टर था, उसके तहत मैं बहाली प्रक्रिया में मैं बहाल किया। और आशा का भी मैं अपने पूर्व कार्यशैली में आशा का भी मैंने बहाल किया। और बहुत सारा विषय विकास के मामले में भी हमने बहुत सारा रोड नाला वैसे भी काम करने का प्रयास किया और सभी के साथ भाईचारा, आपसी तालमेल, ये सब मुद्दा थे हमारे। और बस इस बार का क्या प्राथमिकता रहेगा, किस क्षेत्र में काम होगा? ऐसे जो भी काम है उस पर फिर से हम सभी माननीय सदस्यों के साथ बैठेंगे और जो भी महसूस होगा, जो कार्यशैली है, जो पहले से जैसे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, बहुत सारा नए नए काम सरकार के द्वारा योजनाओं का जो क्रियान्वित किया गया है, उस पर हम विचार करते हुए सभी माननीय सदस्यों के द्वारा राय लेकर हैं और उस काम को करेंगे। बहुत सारा काम है, जैसे नाला है, मनरेगा के तहत बहुत सारे काम है, मनरेगा से एक भी काम नहीं हुआ। हम लोग कोशिश करेंगे और सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से सभी वार्ड में मनरेगा के तहत भी हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। जो पूर्व के मुखिया थे उनके द्वारा नहीं कराया गया, मैं इस बार कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा काम हो, सभी योजना निष्पक्ष रूप से सभी वार्डियों को बखूबी सामान्यजनक स्थिति में क्रियान्वित हो, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। क्या नाम है? रामबाबू सिंह। रामबाबू सिंह कौन से गांव के हुए? चंद्रहिया के हुए हो। मुन्ना शाही जी चुनाव जीत गए हैं, जीत कैसा लगा? ये ना कुछ बोल देते हैं। मैं दलपत पंचायत का निवासी हूँ। हमारे पंचायत में 17 परसाई लोग खड़े हुए थे, जिसमें हमारे पंचायत के मतदाता लोग हैं, वो लोग सोच समझ कर शाही जी को वोट दिए। यह कर्मठ हैं, सुयोग्य हैं और अच्छा तरीका से का पंचायत का निर्वाह कर सकते हैं। बस खूब मेहनत हुआ था इनके लिए, वो तो ऊपर वाला जानते हैं जो हम लोग मेहनत किए थे कि नहीं किए थे, जो किए उसकी सफलता हमको मिली। क्या कहना चाहेंगे पूरे पंचायत वासियों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इसके पिछले भी अगर चुनाव हो, जो आने वाला चुनाव हो, उसमें कर्मठ व्यक्ति को ही चुना जाए और पंचायत का विकास कराया जाए।
और मुन्ना शाही हैं, दलपत बिशुनपुर पंचायत से चुनाव जीत गए हैं। इनका दावा है कि हम संपूर्ण विकास करेंगे, धरातल पर सारा काम दिखाई पड़ेगा मेरे पंचायत में। अब क्या कुछ होता है, पड़ताल जारी रहेगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसटीवी न्यूज़। कैमरामैन दिनेश के साथ सभी उला चंपाडी।